तो भाई अभी 5:30 बजे मौसम देखो यहाँ का कैसा हो रहा है। यहाँ पे कोई घर वर नहीं है, सब टीम वीम में सब बनाया हुआ है, सब नॉर्मल कैंपिंग वगैरह करते हैं लोग यहाँ पर। मैं भी आज रात को कैंपिंग करने का मेरा प्लान है। Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are absolutely fine. So guys, हम यहाँ पर खड़े हैं बारालाचा पास पे, जो कि हमारा लद्दाख का सफर शुरू हो चुका था मेरा और सुभान का। तो अभी हम जा रहे हैं सरचू की तरफ। बर्फ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है यार, और हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अभी मैंने ये पहना है तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। चारों तरफ बर्फ है। हो आराम मिला, बहुत ही ज़्यादा आराम मिला भाई, बहुत ज़्यादा आराम मिला। आई होप के आपको दिख रहा हो सही, मेरे शीशे पे तो पूरी फॉग आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए आई है क्योंकि मैं बार बार वाइजर अप एंड डाउन कर रहा था, बट अभी बंदी करके रखूँगा। अंदर की तरफ आ गई है सारी, इसको खोल के जो है ना साफ करना पड़ेगा। मज़ा आ गया भाई ये उड़ के, और ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस जिसमें बर्फ ऐसे लगी हुई आ रही है, लग रही है। मतलब बाइक का टेम्परेचर भी 8 डिग्री हो रहा है अभी, तो यहाँ का तो माइनस में है। आप खुद ही सोचो कि टेम्परेचर माइनस में है। हम बहुत ऊपर हैं सी लेवल से, 4,800 समथिंग 50। हाँ तो गाइस अभी 5:30 बजे हैं और मौसम देखो यहाँ का कैसा हो रहा है। हम बारालाचा से नीचे आ गए जहाँ पे लोगों ने इस तरीके से छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो ये बता यहाँ पे जैसे रुके थे। अभी हमने चाय का कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है, और यहाँ पे जैसे बेड्स वगैरह हैं सब बेड लगे हुए हैं। रात को आप आके आप यहाँ पे सो सकते हैं। कितना पैसे लेते हैं आप? 1% 300। उसमें खाना भी इंक्लूड है? नहीं, खाने वाला कितना आएगा? खाना आपका अलग से आएगा। अच्छा, तो 300 रुपये पर हेड है यहाँ पे सोने के लिए। और अभी कॉफ़ी करिए, कॉफ़ी पी लो भैया। ये भैया दिल्ली से आ रहे हैं, नॉन स्टॉप चला कर आए हैं, रिस्की काम कर रहे हैं भैया। ओके जी, पहले कॉफ़ी पीते हैं। वी आर एट सरचू, और यहाँ पे सिर्फ कैंप्स अवेलेबल हैं, और अभी अभी नेटवर्क आया है मेरे फ़ोन के, तो घर पे भी फ़ोन करना पड़ेगा उनको बताने के लिए। और यहाँ से 10 मतलब 20 बीच है। अब देखो पूरा ऐसा एरिया एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो गाइस फाइनली सरचू में आ गए हैं यार, और सरचू के वो जो जब हम बारालाचा से आगे चले और सरचू में जब हमने एंट्री करी, तब जो नज़ारे थे देखने के लिए बस बहुत ही मस्त। बिल्कुल प्लेन एरिया, जैसे वो बोलते हैं ना मोरे प्लेन्स वाला एरिया जैसे आता है, वो तो पूरा उसका होएगा, पूरा डेजर्ट टाइप का होएगा, बट ये वाला पूरा अच्छा खासा घास वाला था। मुझे बहुत प्यारा लगा वो इलाका। अभी यहाँ से दिख सकते हैं, शायद वो दिख रहे हों आपको, बहुत ही मस्त जगह थी। और मैं उससे थोड़ा आगे आ गया हूँ। अभी ये सब रूम्स वगैरह हैं सरचू में, सरचू में आके अब हम स्टे ले रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है स्टे लेंगे, आगे चलेंगे। अभी अंकल आ रहे हैं पीछे, तो हो सकता है स्टे लेंगे, आगे चलेंगे। अभी वैसे तो टाइम तो ठीक ही है, बट देखते हैं जैसे होता है सिस्टम। यहाँ पे कोई घर वर नहीं है, सब टीन वीन में सब बनाया हुआ है, सब नॉर्मल कैंपिंग वगैरह करते हैं लोग यहाँ पर। मैं भी आज रात को कैंपिंग करने का मेरा प्लान है। अभी मैंने कॉफ़ी बोली है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है फ़िलहाल, और सुभान वहाँ खड़ा है उधर वो रहा अभी। सो गाइस अभी जो है ना अपना टेंट लग रहा है यार यहाँ पे, और अभी हम सरचू में जैसे हम रुके हुए थे, तो अपना स्टे आज रात का यहीं पे है। बस रात होने वाली है, तो उससे पहले हम अपने टेंट सेटल कर रहे हैं यहाँ पे। बाइक्स वगैरह सब यहाँ पर हैं,
और बड़ा मज़ा आएगा यार, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे साइड में एक और भैया हैं जो लगा रहे हैं टेंट, उससे थोड़ा सा हमें भी अच्छा रहेगा और भैया के लिए भी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि हवा इस टाइम में तेज़ है यहाँ पर। तो पहले टेंट लगाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। भैया मेरा